पंचम दाल बनाने के लिए मैंने 5 दाल लिया है, आप देख सकते हैं। ये अरहर मसूर का दाल है, लाल वाला मसूर का दाल, और ये चना दाल है, और यहाँ पर मैंने मूंग दाल लिया है। अब हम यहाँ पर लिया है काली मसूर दाल। अब हम क्या करेंगे, इन दालों को अच्छे से धो लेंगे। और मैंने यहाँ पर 2 पानी धोया है, और ये पानी को हम फेंक देंगे 2 पानी धोने के बाद। और तीसरा पानी अब हम डालेंगे, और इस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, हम इसे दाल को बॉईल करने में काम लेंगे पानी को। और यहाँ पर 1 घंटा के लिए हम भिगो के ऐसे ही रख देंगे, और उसके बाद हम बॉईल करेंगे। 1 घंटा में फूल जाएगा अच्छा से, 1 घंटा से ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 घंटा बीत चुका है, दाल बहुत अच्छा से फूल गया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुकर लेंगे, कुकर के अंदर सारे दाल को ट्रांसफ़र कर लेंगे, और पानी सहित दाल डाल देंगे कुकर के अंदर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे 1 कटोरी हमने दाल ले लिया है, उस हिसाब से 3 कटोरी पानी डालेंगे, जैसे कि 1 गुना दाल और 3 गुना पानी। साथ ही में ऐड करेंगे हल्दी 1/2 चम्मच, साथ में नमक, और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। और यहाँ पर हम ढक्कन नहीं लगाएंगे कुकर के, ऐसे ही गैस पर रख देंगे। और यहाँ पर देखिए दाल 1 उबाल आ गया है, और जो इसका झाग है दाल का उसे हम निकाल देंगे सारे, और ये बहुत हानिकारक होता है शरीर के लिए, इसीलिए हमने सारा झाग निकाल दिया है ऊपर का। और आगे अगर हल्दी और डाल देंगे ज़रूरत पड़ेगा तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे झाग निकाल दिया है। अब हम सीटी का ढक्कन लगा देते हैं, और सिर्फ 2 सीटी में ही ये कुकर बॉयल हो, सॉरी दाल बॉयल हो जाएगा। यहाँ पर हम तड़के के लिए लिया है लहसुन और अदरक कूट के लिया है, आप देख सकते हैं हमें पेस्ट नहीं लेना है। और प्याज बारीक टुकड़ों में कट करके लिया है, और हरा मिर्च भी बारीक टुकड़ों में कट करके लिया है। ये साबुत धनिया है, इसे कूट कर लिया है। और यहाँ पर लाल मिर्च साबुत है, और ये कड़ी पत्ता है। और यहाँ पर मैंने हींग लिया है, ये टमाटर है बारीक टुकड़ों में कट करके लिया है, साथ ही में हींग लिया है, आप देख सकते हैं। और इन सारी चीज़ों को हमें तड़के की ज़रूरत पड़ेगी। और चलिए गैस की तरफ चलते हैं। अब जब तक दाल बॉयल हो रहा है तब तक ले हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई रखा है गैस पर, इसमें सरसों के तेल डाल दिया था पहले से ही, गर्म हो गया है तेल। इसमें जीरा डाला है सबसे पहले, जीरा चटक गया है आप देख सकते हैं। अब हम ऐड करेंगे इसमें बारीक टुकड़ों में कट कर ये प्याज है, प्याज को हम डाल देते हैं, और साथ ही में हरा मिर्च भी डाल देते हैं, और इसे हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे पहले तो। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कलर चेंज हो गया है। अब हम यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे साबुत धनिया जो कूट के रखा है, वो डाल देते हैं। इसे बहुत बढ़िया खुशबू आती है, और टेस्ट बढ़ जाता है दाल के अंदर, एक बार ट्राई ज़रूर से कीजिएगा। और यहाँ पर प्याज को हम ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि प्याज के साथ में बाकी चीज़ों को अच्छे से पकाना है हमें। अब हम ऐड करेंगे यहाँ पर लहसुन अदरक जो कूट के रखा है, वो डाल देते हैं। हमें पेस्ट नहीं डालना है, कूट के ही डालना है अदरक लहसुन को, और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पर हींग डालेंगे 1/2 चम्मच। हींग का फ्लेवर तो बहुत टेस्टी लगता है, यकीन मानिए, और बनाते होंगे तो आपको पता ही होगा बहुत बढ़िया फ्लेवर आता है हींग का। और यहाँ पर देखिए प्याज का कलर चेंज काफ़ी हद तक हो गया है। अब हम ऐड करेंगे टमाटर, और टमाटर को अच्छे से हम मिला लेते हैं प्याज के अंदर, और साथ ही में ऐड करेंगे यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, और 1/2 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, इसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब हम ऐड करेंगे 1/2 चम्मच ये गरम मसाला है, इसे भी हम डाल देते हैं और मिक्स करेंगे अच्छे से। अब हम ऐड करेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हरा मिर्च पहले से डाला हुआ है। और गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे, उसके बाद हम अच्छे से मसालों को पका लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मसाला बहुत अच्छा से रेडी हो चुका है, और ये तड़का हमारा रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दाल जो हमने बॉयल करके रखा हुआ है, और दाल बहुत अच्छा से गल गया था, 2 सीटी में ही गल गया था दाल। और अच्छे से हम तड़के के अंदर दाल को मिक्स कर लेते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, कलर देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, खुशबू तो इतनी अच्छी आ रही है, एकदम ढाबा वाला दाल बना है फ्रेंड्स, एक बार ट्राई जरूर से कीजिएगा। अब हम ऐड कर देंगे धनिया पत्ता कट करके, और इसके अंदर हम धनिया पत्ता डाल देते हैं, और धनिया पत्ता डालकर गैस को ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमारा दाल बनके बिल्कुल रेडी हो गया है। और आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं एक और तड़का लगाऊंगी दाल के अंदर, और टेस्ट और बढ़ जाएगा दाल का। गैस को ऑफ कर देते हैं पहले। मैंने 2nd तड़का के लिए पैन रख दिया है गैस पर, और मक्खन की टिक्की
पैन के अंदर डाल देंगे। आपके पास घी हो तो वो घी ले सकते हैं, और जो चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। और देखिए यह मेल्ट हो गया है बहुत अच्छा से मक्खन। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कड़ी पत्ता और साबुत लाल मिर्च, और इन्हें हम अच्छे से तरकने देंगे। और देखिए कितनी अच्छी खुशबू आ रही है कड़ी पत्ता की। अब हम क्या करेंगे, दाल के अंदर तड़का लगा देंगे। देखिए बहुत अच्छा से फ्राई हो गया है, और यहाँ पर देखिए मैंने सेकेंड तड़का लगा दिया है, और ये दाल बनकर फाइनली रेडी हो चुका है। और खुशबू बहुत बढ़िया आ रहा है फ्रेंड्स, यकीन मानिए। और ये दाल बनाने का तरीका कैसा लगा, और ज़रा सा अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।